नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं वह खबर देखकर आपको निश्चित रूप से खुशी होने वाली है, क्योंकि लोग अब संविधान की सिर्फ जय जयकार नहीं करते बल्कि संविधान के प्रति अब श्रद्धा भी व्यक्त करने लगे हैं, संविधान के प्रति अब लोग सम्मान भी प्रकट करने लगे हैं और जो भी उनके निजी संस्कार होते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में संविधान की शपथ लेकर, संविधान को साक्षी मानकर अपने जो भी उनके कार्यक्रम में वैवाहिक संबंध है उसे संपन्न करा रहे हैं। दोस्तों यही खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो दोस्तों आइए देखते हैं यह महत्वपूर्ण खबर। भारतीय संविधान की शपथ लेकर थामा एक दूसरे का हाथ। यह बड़ी खबर हमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तहसील सोसर से प्राप्त हो रही है। कोरोना महामारी के संकट से सभी लोग जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में शादी विवाह भी अब नियमों के तहत निर्धारित परिजनों की उपस्थिति में संपन्न होने लगी है। नियमों का पालन करते हुए 24 मई 2020 को भी एक शादी सादे समारोह में और फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए संपन्न कराई गई। सोसर के समीप ग्राम निमनी के वर जितेंद्र विठल राव वानखेड़े, संग वधु दुर्गा राम भाऊ सनेसर निवासी पांडुरना का मंगल परिणय रीति रिवाजों के साथ संपन्न किया गया। दूल्हा और दुल्हन दोनों ने भारतीय संविधान को साक्षी मानकर शपथ लेकर एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने के लिए हाथ थाम लिया और उन्होंने संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता का एक संदेश भी दिया। इस अवसर पर प्रवीण सनेसर, धनराज वाघमारे, कैलाश वानखेड़े, विक्की तायवाड़े आदि मौजूद थे। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।